2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन फिटिंग इंडिया फाउंडेशन द्वारा शहर के शासकीय प्राथमिक स्कूल में भोजन वितरण का आयोजन किया गया, जहां फाउंडेशन के सदस्यों ने स्कूल में पढ़ने वाले छात्राओं को भोजन करवाया। ग्वालियर में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन फिटिंग इंडिया फाउंडेशन द्वारा मांडरे की माता के पास स्थित एक शासकीय स्कूल में भोजन वितरण का आयोजन किया गया। कैसा लगा आपको? क्या मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सबको ही बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे खाना अच्छा लगा, हमको खाना बहुत अच्छा लगा और ये डेकोरेशन बहुत अच्छी लग रही है और बहुत मजा आ रहा है आप सबके साथ। थैंक यू। फिटिंग इंडिया फाउंडेशन के सदस्यों का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, उसी के तहत फाउंडेशन द्वारा पूरे देश में गरीब बच्चों को भोजन वितरण करने का बीड़ा फिटिंग इंडिया फाउंडेशन ने उठाया है। आज आयोजन किया, क्या उद्देश्य था और क्या तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं? हम फीडिंग इंडिया वालों का ये उद्देश्य है कि आज के बाद कोई भूखा नहीं सोए। ग्वालियर में और भी जगह बहुत से ऐसे लोग हैं जो रात में कहीं उनको कुछ खाने को नहीं मिलता, एक टाइम का खाना नसीब होता है। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना सोए, किसी को भी खाने की कमी ना हो। जहाँ तक हम जा सकते हैं, जहाँ तक हमारी टीम पहुँच सकती है, वहाँ तक हम ये चाहते हैं कि सबों को खाने को मिले। कितनी बार आयोजन कर चुके हो अभी तक? कब से कर रहे हो? अभी 4 बार हो चुका है ग्वालियर में और अब हम आगे और बढ़ना चाहते हैं। आज आयोजन किया गया है किस उपलक्ष्य में किया गया है? क्या आज जैसे कि 2 अक्टूबर है, हमने ये सोचकर आयोजन किया है कि हम लोग साफ सुथरा खाना प्रोवाइड करें इन बच्चों को। और हमारा मोटिव ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना दे सकें, कोई भूखा ना सोए, ये हमारा मोटिव है। जैसे कि बच्चों को बताया गया अभी जैसे कि साफ सुथरा रखना है, और अगर हम अपना देश साफ रखेंगे तो बीमारियां नहीं होंगी। हमने उन लोगों को ये बताया गया है, ये हमने संदेश दिया है अपनी तरफ से। और हम फीडिंग इंडिया से हैं, ये हमारी टीम है, हम साथ में काम कर रहे हैं इस उद्देश्य से। थैंक यू। क्या नाम है आपका? हर्षिता, मैं इस फीडिंग इंडिया की प्रेसिडेंट हूँ।